लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल बाद नई फिल्म हिचकी से कमबैक करने वाली रानी मुखर्जी एक नए अंदाज में लोगों के सामने आई हैं। बता दें कि फिल्म में उनके किरदार को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रानी मुखर्जी ने बताया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में पहले तुलना में काफी बदलाव आया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी दिल्ली ख्वाहिश है कि वो रणवीर सिंह के साथ काम करें। जी हां, सिर्फ रानी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में और भी की ऐसे स्टार हैं जो रणवीर की एक्टिंग से काफी इम्प्रेस हुए हैं। ऐसे में 4 साल बाद फैंस उन्हें देखने के लिमिटेड एक काफी बेताब है। फिल्म एक ऐसी महिला नैना माथुर, रानी के किरदार का नाम की कहानी है जिसे चोरेट सिंड्रोम नाम की बीमारी है। इसके चलते उसे बोलने में तकलीफ होती है, जिसकी वजह से हिचकी जैसी बीच बीच में आवाजें आती है। लेकिन इरादों से दृढ़ महिला कैसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ से उभरती है और खुद को साबित करती है। हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के दौरान रानी ने उन सभी डायरेक्टर्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके करियर को बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्होंने बताया कि एक्टिंग उनके अंदर है, किसी ने उन्हें सिखाया नहीं। फिलहाल एक ट्रेस की फिल्म लोगों को कितना पसंद आती है, यो तो आने वाले दिनों में सबके सामने होगा।